अक्सर देखा गया है जब लौकी की सब्जी की बात आती है तो बच्चे इसे खाने से मना कर देते हैं या फिर बेमन से खाते हैं। यही हाल कुछ बड़े लोगों का भी होता है जो कि लौकी खाना पसंद नहीं करते। साथ ही कुछ लोग होते हैं जो इसके फ़ायदे जानते हैं। तो लौकी की सब्जी के बहुत ही फ़ायदे हैं और यदि हम इसे बहुत ही टेस्टी और मसालेदार बनाएँ तो इसे बच्चे भी मांग मांग करके खाएँगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी ही मसालेदार और टेस्टी लौकी की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आइए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लौकी की सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक टमाटर काट करके ले लिया है, एक प्याज लिया है काट करके, और हरी मिर्च ली है कुछ। तो इसे हम सबसे पहले मिक्सी जार में डाल करके पीस लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। प्याज टमाटर को पीस करके हमें मिक्स नहीं करना, अलग अलग प्याली में निकाल कर रख लेंगे। अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक लौकी ली है। लौकी वजन में आधा किलो है। इसे हम छील करके धो करके कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद अब इसको हम हाथ से निचोड़ लेंगे, क्योंकि लौकी में अपना बहुत पानी होता है, तो इस एक्स्ट्रा पानी को हम निकाल देंगे। इसका यूज हम सब्जी में ही कर लेंगे बाद में। अब इस निचोड़ी हुई लौकी में हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। बस अभी इतने ही मसाले ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसको इसमें डालेंगे हम, इसको बाइंड करने के लिए डालेंगे हम इसमें बेसन। तो एक प्याला बेसन ले लिया है हमने, तो थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बेसन यहाँ कम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि लौकी का जो लौकी में काफ़ी पानी होता है, यहाँ पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और अब इस हमने क्योंकि पहले ही निचोड़ लिया है और उसके बाद भी देखिए काफ़ी ये बैटर पतला सा हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा बेसन और डाल लेंगे। यानी कि एक प्याला बेसन हमने यहाँ डाल लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को मिक्स करके हम तुरंत ही इसके पकोड़े बना लेंगे या कोफ्ते बना लेंगे। इसको रख करके नहीं छोड़ेंगे, इसे रख देंगे तो ये पानी छोड़ देगा, इसका लौकी का अंदर से पानी निकलेगा, जिससे कि बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो इसे हम तुरंत ही इसको फ्राई कर लेंगे। तैयार हो गया है। अब गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें डाल देंगे हम मस्टर्ड ऑयल 3 से 4 बड़े चम्मच। इतना डालेंगे कि इससे अच्छे से डीप फ्राई हो जाए हमारे कोफ्ते। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हाथ में थोड़ा सा बैटर लेकर के इसे हम अंगूठी की सहायता से प्रेस कर देंगे और इस तरह से हम इसके पकोड़े फ्राई कर लेंगे या कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो आप चाहें तो बोल के साइज़ में भी इन्हें बना सकते हैं। अब इनका कलर चेंज होने तक हम इन्हें फ्राई करते रहेंगे और जितने भी कढ़ाई में आ जाएंगे उतने ही डालेंगे। तो यहाँ फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे नीचे से फ्राई हो गए हैं, तो हमें इन्हें पलट करके फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब सेम उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा हो तो आप उसे कम कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, 2-4 काली मिर्च और 2-4 लौंग और 1 काली इलायची। इसको फ्राई कर लेंगे और इसमें डाल देंगे प्याज पिसा हुआ। तो प्याज को सुनहरा होने तक भुनेंगे। हमारा अच्छे से भुन गया है, सुनहरा कलर आ गया है। तो अब इसमें डाल देंगे मसाले, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर और यहाँ टमाटो प्यूरी डाल देंगे। इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देते। अभी मसाला हमारा थोड़ा सा भुन चुका है और कलर भी देखिए कितना अच्छा आ गया है। इसमें डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक और 3-4 हरी मिर्च काट करके। तो आपको तीखा चाहिए तो आप डाल दीजिए, वरना आप स्किप कर दीजिए। मसाला अच्छे से भुन चुका है तो इसमें हम पानी डाल देंगे, जो लौकी का हमने बचा के रखा था और बेसन की जिसमें हमने बैटर बनाया था, तो पानी ले लिया है और थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। ग्रेवी पतली और गाढ़ी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ढक देंगे और एक उबाल आने देंगे। उबाल आ चुका है तो इसमें डाल देंगे अपने फ्राई करे हुए कोफ्ते और बस हल्का सा इसको पकने देंगे। ऑयल आ गया है और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है, तो अब इसमें डाल देंगे धनिया बारीक कटा हुआ
और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और इसे कर लेंगे सर्विंग बाउल में। तो लौकी की सब्जी हमारी तैयार है। लौकी के बहुत ही टेस्टी और मसालेदार चटपटे कोफ्ते बनकर के तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कलर भी कितना बढ़िया आया है इसका कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे तो बच्चे इसे मांग मांग करके खाएंगे। यदि लौकी की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुक यूनिक विद रेनू।